तो अयोध्या के श्रीराम मंदिर में भगवान प्रभु श्रीराम के विराजने की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, वैसे वैसे श्रीराम के भक्तों का अलग ही उत्साह देखने को मिल रहा है। संगम नगरी प्रयागराज में भगवान राम की एक महिला भक्त ने अनोखा कमाल कर दिया है। इस महिला ने राम नाम का प्रयोग करके 64 चित्रों समेत रामचरित मानस लिख डाली है, जिसमें किसी भी शब्द को लिखने के लिए सामान्य लकीर और अक्षरों का प्रयोग ना करके सिर्फ राम शब्द का प्रयोग किया गया है। देखिए खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज की रहने वाली प्रतिभा पांडे ने अपने हुनर से रामचरितमानस को 64 चित्रों के जरिए उकेरा है। इसमें किसी लाइन का इस्तेमाल किए बिना उन्होंने केवल राम शब्द को ही हर जगह इस्तेमाल किया है। पेशे से टीचर रही प्रतिभा ने अपने इस जुनून के लिए नौकरी भी छोड़ दी। कोविड के दौरान मुझे ये इंस्पिरेशन आई, कुछ सोशल मीडिया पे मैंने देखा कुछ लोग राम नाम से पेंटिंग्स बनाते हैं, और मैंने राम नामी ट्राइब है एक एमपी में, उन लोगों को मैंने देखा कि वो लोग अपने पूरे बॉडी पर पूरा मतलब टैटू बनवाते हैं राम से। तो फिर मुझे लगा कि मुझे थोड़ा बहुत करना चाहिए इसको। तो मैंने जब शुरू किया था तो नहीं सोचा था कि मैं इतना ज़्यादा इसको करूँगी, लेकिन फिर वो एक पैशन बनता चला गया और मैं उसी में डूबती चली गई, हो गया। प्रतिभा पहले देवी देवताओं की पेंटिंग बनाती थी, इसके बाद उन्होंने रामचरितमानस से प्रेरित 36 कलाकृतियां पूरी की। पहले जब मैंने शुरू किया था तो सरस्वती माँ की है, कृष्ण भगवान की है, शंकर जी की हैं, कुछ ऐसी पेंटिंग्स बनाई मैंने। राम जी की ये पेंटिंग मैंने शुरुआत में ही बनाई थी। तो फिर जब ये बनाई तो इसके बाद मुझे सबने कहा कि अब इसको थोड़ा सा और, आप जब आपका इसमें मन लग रहा है तो थोड़ा सा और अच्छी तरह से करिए। तो फिर मैंने पूरी मानस की पूरी सीरीज़ बनाने की शुरुआत की। प्रतिभा चाहती हैं कि उनकी पेंटिंग्स को अयोध्या में बन रहे राम मंदिर परिसर संग्रहालय के अंदर प्रदर्शित किया जाए।